वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर्य तमहं प्रपद्ये। हुकम करो ती वाचालं पंगुम लगे ते गिरिम यत की पातम हम बंदे श्री गुरु दीन तारणम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा छठा अध्याय भागवत गीता का, ध्यान योग है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे ही अध्याय, सारे ही संदेश इत्यादि हमें उन्नति प्रगति के लिए और ले जाने के लिए, और विशेष करके ना कुछ भी हम करें जीवन में तो कंट्रोल्ड माइंड से ही करें, मन लगा के, मन लगते हुए। और ये सहज है ना, संसार में देखिए सब कहते हैं मन की सुनो मन की सुनो। और जैसे एक बार बताया था ना हमने कि ये एक मेरा डिवोटी दोस्त का जन्मदिन था पिछले साल, तो उससे बात हुई थी फोन पे, तो इट इज हिज थिंग, ही सीज मी एज ए डिवोटी। तो आई विश्ड हिम जनरली हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोलते भक्तों समाज में, बट ठीक है, आई विश हिम ना कृष्णा कॉन्शियस डे। एंड आई टोल्ड हिम कि भगवान करे कि आपकी मनोरथ इच्छाएं पूर्ण हो। सो ही सीज मी एज अ डिवोटी एंड काइंडनेस अगेन। सो इसे कहा प्रभु जी ऐसा मत बोला, आप मरा दोगे मेरे को, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसे ही मेरा दिमाग इतना, मेरी इच्छाएं मेरे को इतना पागल बनाती है, इतना नचाती है। फिर अगर आप कहीं बोल भी तो भगवान करे तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो जाए, और कहीं भगवान सुन ले आपकी बात और थोड़ी सी भी मेरी मनोरथ पूर्ण कर दे। इतनी भौतिक इच्छाएं लेके बैठा हूँ ना मेरे हृदय में, और भगवान उनको पूर्ण करने लगे तो फिर वो बढ़ते रहेगी और बढ़ते रहेगी, और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। पूरा पैराडॉक्स है संसार में, हम यही चाहते हैं संसार में कि यहाँ भगवान तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो सारे। और वो मनोरथ क्या है, हमारे संसार का ही संसारी मनोरथ है ना, सारे संसारी मनोकामनाएं है, संसारी इच्छाएं हैं, सारी प्राय। तो पूर्ण हो के भी संतुष्टि नहीं है ना, पूर्ण हो के भी कोई तृप्ति नहीं है, कोई शांति नहीं है। इसीलिए अब तो तुलसी महारानी की प्रार्थना बहुत सुंदर है ना, तुलसी आरती गाते हैं ना उस मंदिर में सुबह। मोरे ए अभिलाष विलास कुंजे देव, ए मतलब एक ही अभिलाष बस, अब और कुछ नहीं बचा। भगवान के अब संग में आके हरि नाम का, कृष्ण कथा का श्रवण करके तो बस आदमी की एक ही अभिलाषा जीव की वास्तव में रहती है, अब और नहीं है कि संसार में इधर घूमू उधर फिरू, ये कमाऊं ये पहनू ये लाऊं वो लाऊं, इतना नहीं। ना ही कोई समाज सेवा, ना कोई ऐसी सेवा, इतनी अभिलाषा रहती है, बस एक ही अभिलाषा है, विलास कुंजे दियो वास, है ना, विलास कुंज में वास मिले। क्या करोगे विलास कुंज में वास लेके, नयने हेरी वो सदा युगल रूप राशि, भगवान आपके दर्शन, आप दोनों दिव्य है ना, श्री श्री राधा श्याम सुंदर आपके दर्शन करेंगे सदा ही, नयनों में आपको सब बिठा के रखेंगे, संवारेंगे एकदम से, खूब श्रृंगार करेंगे आप दोनों का, खूब श्रृंगार करेंगे, खूब लाड लड़ाएंगे आप दोनों को, खूब झूला झुलाएंगे, खूब घुमाएंगे आप दोनों को, युगल सरकार को सदा सदा ना। तो जैसे ना अभी मंदिर में हम जाते हैं कितनी देर दर्शन कर पाते हैं, कितनी देर भगवान के दर्शन करने चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए, लेकिन हम में इतनी प्योरिटी नहीं है। मुख्य बात प्योरिटी की आ जाती है, क्लेनलीनेस या लॉयल्टी नहीं है ना कृष्ण के प्रति, तो इसलिए ज़्यादा देर हम दर्शन नहीं कर पाते भगवान के।
और ना ही ज़्यादा उनसे बात भी कर पाते हैं। लेकिन वही भजन में उसके लिए कंट्रोल्ड माइंड चाहिए। माइंड कंट्रोल रहेगा तो भी प्योरिटी आएगी ना, प्योरिटी को उसको रिटेन कर पाएंगे वो और उसको और बढ़ाते रहेंगे। तो किसी भी चीज़ में, कहने का इतना ही है, किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में ना, खैर ये तो व्यापार के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, जॉब के, कारोबार के, घर परिवार चलाने में, किसी भी क्षेत्र में माइंड तो कंट्रोल्ड ही चाहिए। रास्ता पार करने में भी ना सेंसेस और माइंड कंट्रोल्ड हो तो आदमी सही से कर पाए रास्ता पार, वरना सेंसेस और माइंड कंट्रोल नहीं हो तो दुर्घटना होगी होगी। बट हमारा प्रयोजन थोड़ा ऐसा है, हम अपने मन और इंद्रियों में निग्रह है ना, कंट्रोल चाहते हैं, इसलिए ताकि ये नहीं मटेरियली वी बिकम मोर क्वालिफाइड, नो, सो दैट स्पिरिचुअली वी बिकम मोर क्वालिफाइड, सो दैट वी कैन डेवलप आवर फोकस ऑन कृष्णा, है ना। फिर नाम जप और अच्छे से कर पाएंगे अगर कंट्रोल माइंड है, पीसफुल है, तो भगवान की सेवा में और एकाग्रता लाने के लिए और कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड वे में भगवान की सेवा करें, कितना है ना, ग्रंथों का वितरण करना। अभी माइंड कंट्रोल नहीं है कैसे हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, सोचो। सिटी सेंटर बाजार में जाके हमारा खुद का ही मन अगर सही नहीं है, हम नहीं बांट पाएंगे बुक, नहीं दे पाएंगे। और देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी सेवा है, ये ऐसी सेवा है कि ये औरों को भगवान की सेवा में लगा देती है ना। औरों को, जो भक्त है वो खुद जाता है दूसरों के पास, उनको रोकता, उनसे बात करता, और वो दूसरों को भगवान की सेवा में लगा दिया, उनका रुकना ही भगवान की सेवा में वो लग गए। क्या बड़ी सेवा करी, रुक गए वो, वाह, कि सबसे बड़ी सेवा। फिर उन्होंने बात करी भक्त से, वार्तालाप हुआ, किताब लिया नहीं लिया अलग बात है, लेकिन एक एंगेजमेंट तो हो गया ना। ओके, यस, दैट्स इज डिवोशनल सर्विस। ही स्टॉप्ड, जहाँ रुक ही गए ना वहीं भगवान तो और प्रसन्न। ओके, ही माई डिवोटी आस्क हिम टू स्टॉप एंड ही स्टॉप, वाओ, सो ही हैज डन सम, ही इज लिसन टू माई डिवोटी, सो रेस्ट इज अ बोनस, रेस्ट इज अ बोनस, उतने में उसका खाता खुल गया। तो ये माइंड कंट्रोल आवश्यक है ना किसी भी चीज में, बिना माइंड कंट्रोल के। अभी ये छठा अध्याय हम कर रहे हैं, मेरा खुद का ही माइंड कंट्रोल नहीं रहता है, एंड लेट्स सी, होपफुली कृष्णाज ब्लेसिंग, सी हाउ वी और ट्राई टू मोर गेट मोर ब्लेसिंग्स आउट ऑफ इट। अध्ययन भी करना ना, कंट्रोल्ड माइंड से ही होगा, अनकंट्रोल्ड माइंड से हम क्या समझ पाएंगे। ओके, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो। सो लेट्स कंटिन्यू, अध्याय 6 और श्लोक संख्या 7 आज से। जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान उपमान अपमानयो। इसमें शायद तात्पर्य नहीं, अच्छा इसमें है क्या, पढ़िए सुधा माता जी। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तात्पर्य, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को पाकर मन को
भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। मन को किसी न किसी कुछ आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भवित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। ये अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। सुंदर है ना अनुवाद तात्पर्य। देखिए क्या सुंदर श्लोका बोलते हैं ना भगवान, जीतात मन प्रशांतस्य, जिसने मन को जीत लिया है ना वो प्रशांतस्य, वो शांति प्राप्त करता है। परमात्मा समाहिता, परमात्मा तो फिर कहाँ दूर हो, उसके पास में ही ना, परमात्मा को पा गया वो, पा ही गया वो। शीतोष्ण सुख दुखद, शीत और उष्ण है ना, सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान यो। अभी देखिए सुख दुख आदमी सह भी ले, सर्दी गर्मी भी सह ले, अपमान भी सह ले, लेकिन मान को सहना ये क्यों कह रहे हैं भगवान यहाँ पे बताओ। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक एक से हैं। तो ये मान कैसे एक सा हो गया, जैसे अपमान तो हम सहज सहन कर लेते हैं ना, करना ही पड़ जाता है, मान को सहन करने की क्या आवश्यकता है, और कैसे करें मान सहन। कोई विचार? मान मतलब प्रशंसा ना, अपमान मतलब इंसल्ट, मान मतलब प्रशंसा। मान को क्या आवश्यकता है, मान क्यों सहन करें और कैसे करें, कुछ कह रहे थे क्या अर्षा? हाँ, मुझे वही बात लगी कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भक्त अपने आप को समझ लेना, वही यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि भाई जो सक्सेस है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ताकि हम और इम्प्रूव करके आगे बढ़ते जाएं, पतन की तरफ ना जाएं और सीखें और बढ़ें। तो अगर मान को भी अपमान की तरह ही बहुत सहजता से अगर हम ले पाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। भटकाव देखो मान में, अपमान में इतना भटकाव नहीं है। जनरली स्पीकिंग व्यक्ति अपमान में भटकता नहीं है, ठीक है। कई बार अपमानित होके वो कुछ गलत काम कर देता है, जनरली अपमान में क्या ना व्यक्ति ठीक है भाई, हम तो छोटे ही, हम तो सुने सुनो भाई, अपने सेवा भाव में वो रह जाता है अपमान में। मान में बहुत भटकाव है, मान में तुम देखते ही ना कितने बड़े बड़े नेता अभिनेताओं खिलाड़ियों के बच्चों देखो मान में आके भटक जाते हैं ना, भटक जाते हैं। भटकाओ मान में, या मान मतलब क्या प्रशंसा, और मान को क्यों सहे, क्योंकि संसार में क्या मान है, कौन सा मान की क्या मान्यता है बताइए। कोई बड़ा अवार्ड भी मिल गया, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, समझिए बेस्ट हीरो बेस्ट हीरोइन का, तो
वो उसी साल के लिए ना, अगले साल तो हम है नहीं बेस्ट हीरो बेस्ट हीरोइन, तो किस बात का हम मान करें। देखिए कोई चीज को अगर छाती से सीने से लगाना हो ना हृदय से, तो वो शाश्वत हो तो ही हम लगाए। जो चीज शाश्वत नहीं है उसको क्या फायदा पाल के जो आगंतुक है। तो ये संसार में सुख दुख मान सब सब आगंतुक है ना, इसलिए इनको इतना लेना नहीं चाहिए। और संसारी मान सम्मान की क्या वैल्यू। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भाई तुम मान के अधिकारी तब बन सकते हो जब भगवान के दर्शन हो तुम्हें। अभी नहीं हुए ना हमें दर्शन भगवान के, तो फिर अभी हम मान का नहीं कर सकते। इस दर्शन में देखो भारत में तो कितना सहज ना, क्या कि वो पितर जी आए हैं, ये आए हैं, जागरण ये हो रहा वो हो रहा। और देखो जोत में देखो हनुमान जी दिखेंगे, तुम ऐसे देखो हाँ जोत में दिखेंगे हनुमान जी, या ऐसे फोटो भी खींच लिया हमने, उसका वीडियो भी बना दिया कि हाँ देखो मतलब हनुमान जी आए हैं और ये दर्शन दे देंगे, ये दर्शन इनको बुलाओ ऐसे करके, कीर्तन रखो थोड़ा प्रसाद रखो, तुम बोल दो पहले से आपके लिए मैं ये ड्रेस और ला के रख दूंगा तो वो दर्शन देंगे। दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग दो ऑल टूगेदर। कृष्णा भावनामृत में ऐसा नहीं है कि कीर्तन करो ओके 24 आवर कीर्तन मेला होता है ये होता है और हाँ भाई कृष्ण दर्शन दे देंगे। जपा करो और देखो तुम अगर वृंदावन में जाके ऐसे परिक्रमा ऐसे जपा करोगी तो तुम्हें ऐसे दिख जाएंगे गोवर्धन में पर्वत पे कृष्ण बांसुरी लेते हुए। ना ना ऐसा नहीं है बाबा, भगवान के दर्शन इतने सहज नहीं है वास्तव में। सहज तो है भगवान के दर्शन, एक्चुअली सहज तो पूरे ही है, सरल हम नहीं है, बात इतनी है बस। बोला ना अर्जुन को भगवान ने, भक्तों सी में सखा चेती रहस्याम ही एतत उत्तमम। ये जो उत्तम रहस्य है, उत्तम से भी उत्तम अधिक उत्तम है ना, उस रहस्य को उजागर कर दिया अर्जुन तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम भक्तों सी में सखा चेती, तुम सरल हो भाई, तुम सरल हो, तुम में कोई द्वेष नहीं है, तो तुम्हारे लिए पूरा उजागर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ हो तो बताओ, आई कैन रिवील एवरीथिंग फॉर यू। तो भगवान के दर्शन तो सहज है, सिंपल है, सिंपल हम नहीं है इसलिए परेशानी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मान तो तभी हो ना भाई जब तुम्हें कृष्ण के दर्शन हो जाए। अभी नहीं हुए ना कृष्ण के दर्शन, तो बस अभी अभी घमंड नहीं कर सकते तुम, अभी मान नहीं रख सकते। और जब देखो जिस दिन किसी को कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे तो भगवान की दर्शन के माध्यम से फिर उसका संसार में कोई मान ऐसा रहेगा ही नहीं, कोई उसमें काम क्रोध लोभ मोह रहेंगे नहीं। और दर्शन से कहने का ना, देखिए ऐसे तो भागवतम में हम देखते हैं ना भगवान ने किनको दर्शन किया, दक्ष दक्ष को महाराज को दर्शन दिया ना, और भी लेकिन दक्ष को दर्शन देके सेवा भी दी तो क्या इस दी, इस भौतिक जगत की सेवा दी और इसी भौतिक जगत में सृष्टि बढ़ाने की सेवा दी इत्यादि। मतलब कितनी एंटेंगलिंग सेवा, मैनेजमेंट की सेवा किसी को दे दो मतलब बांध दो ना, बांध रहे हो उसको। उस हिसाब से भगवान ने दी और कोई कोई ऐसा रखा नहीं ना संबंध ऐसा, ठीक है तुम कुछ मेरे ऑफिशियल काम में काम आना चाहते हो, तुम्हें इसमें रुचि है, तुम्हें दक्ष है ना, उनको बड़ा दक्ष भी भाई आई लुक हैंडसम, आई एम हैंडसम एंड आई हैव द स्टेमिना, आई हैव द स्ट्रेंथ टू क्रिएट प्रोजेनी, टू ब्रिंग फॉरवर्ड लिविंग एंटिटीज, आई विल सप्लाई मोर एंड मोर, एंड जो आएंगे उनको भी मैं बोलूँगा कि तुम लोग भी और संतान उत्पत्ति करो या प्रोजेनी क्रिएट करो। तो दक्ष को ठीक है भगवान की सेवा, सृष्टि के रचना क्रम में सृष्टि लीला में भगवान के वो आगे बढ़ा रहे हैं, बट वो दर्शन वैसा नहीं चाहिए हमें। दर्शन का हेतु तो, दर्शन का लाभ तो तब है जब दर्शन से सेवा मिले कुछ, और सेवा हमें कैसे चाहिए, हमें तो निकुंज में भगवान के अंतरंगा सेवा चाहिए ना, भगवान की लीलाओं में एक एंट्रेंस चाहिए ना, शाश्वत सेवा चाहिए हमें, वो सेवा मांगनी है भगवान से। हम इतने भी वो ना बने कि भगवान हमें आप इस भौतिक जगत में ही सेवा दे दो ना, वो इतने हम सक्षम नहीं और इसे बनने की अभिलाषा नहीं है।
है ना, लालच अपना उत्पन्न कर लो, कर ले पूरा, और लालची बन जाए भगवान के आगे। देखिए भगवान के आगे भगवान के लिए लालच बनना ना, ये दिव्य लालच है, तो इसको अपनाना चाहिए। इसमें शर्म की बात नहीं करनी चाहिए कि भगवान नहीं, मैं यही ठीक हूँ, भगवान मैं यहीं तक ठीक हूँ, यहाँ के लेना, ये सब नहीं चलता ऐसा। तो हमारा अधिकार ही है ना भगवान की सेवा में, तो उसको मांग लेना चाहिए पूर्ण रूप से। तो मान मान तो तभी हो जब कृष्ण के दर्शन हो, और दर्शन का लाभ क्या है कि कृष्ण की सेवा मिले, कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का संग मिले। तो भगवान की दिव्य लीलाओं में हमें कुछ ना कुछ रोल एंट्रेंस, कुछ सेवा हमारे हमारा वैसा वो भाव बने, और ये जो भाव बन जाएगा ना, ये हमारा फिक्स्ड होगा फॉर इटर्निटी, और तब हम भले ही मान कर सकें। और एक्चुअली तब होगा ना, तब फिर ह्यूमिलिटी, विनम्रता आसमान इतनी छुएगी, मान का कोई स्कोप नहीं रहेगा। तो किसी भी दृष्टिकोण से एक साधक को कभी मान नहीं करना चाहिए, भगवान को ये पसंद नहीं आता ना। यही प्राइड तो केवल कृष्णा को ही सूट करता है, हमें प्राइड होना अच्छा बात, भगवान को पसंद नहीं आता। महाप्रभु को विशेष करके अच्छा नहीं लगता एकदम, कि जब महाप्रभु देखे कि मेरे भक्तगण, मेरे फॉलोअर्स, मेरे शिष्य, मेरे भक्त लोग अभिमानी बन रहे हैं, अभिमान हो रहा है इनका ना। महाप्रभु को पसंद नहीं आता जब महाप्रभु देखते हैं कि मेरे शिष्य लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इनको सुख चाहिए, इनको आराम चाहिए, है ना, फिजिकल कंफर्ट चाहिए, इनको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए ना, कि भाई ये देखो ये साधना भी कर रहे हैं, मंदिर में भी रहते हैं, सेवा भी करते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में, लेकिन इसको कंफर्ट चाहिए, इसको ये सब चाहिए। महाप्रभु को बहुत पसंद आता है जब वो देखते हैं कि मेरे भक्त लोग, शिष्य लोग में बैराग उत्पन्न हो रहा है, रिनंसिएशन, संसारी भोग वासनाओं के प्रति कोई राग नहीं रह रहा उनका, तो ये बहुत अच्छा लगता है महाप्रभु को, बहुत पसंद आता है। और क्या कि ये दिव्य ज्ञान में जुड़ने हैं, है ना, परस्पर में ये दिव्य ज्ञान अनुशीलन, दिव्य ज्ञान अर्जित में, दिव्य ज्ञान दर्शन में इनकी खूब रुचि हो रही है, तो ये महाप्रभु को बहुत बढ़िया लगता है, और यही ऐसा ही हमें करना चाहिए। तो मान का तो कहीं कोई स्कोप नहीं है हमारे साधना क्रम में, हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए मान। ये सारी चीजें ना हमें बहुत पीछे ढकेल देती है, फिर बहुत पीछे, फिर क्या है ना, फिर पीछे ढकल जाएंगे, ढकेले जाएंगे भक्ति में, और नए नए कर्म कर्मा इतना बनाएंगे, फिर क्या, फिर अगला जन्म लो, भले ही थोड़े टाइम स्वर्ग हो आओ जो भी हो, फिर लेकिन पृथ्वी लोक तो आना ही पड़ेगा, अगला मनुष्य जन्म लेना ही पड़ेगा। अब वो हो सकता है कलयुग में या दूसरे युग में हो, लेकिन फिर भी भटकाओ तो पूरा ही है ना। और पता नहीं ना, ने इतना रिस्की है बाबा, नेक्स्ट जन्म इतना रिस्की है, कैसा माहौल हो, कैसा परिवार, कैसा संघ, कैसा संस्कार, और उस अगले जन्म में कब जाके साधु संघ मिलेगा, और जब तक नहीं मिलता तब तक समझिए अगर कोई भी एक गलत स्टेप हम ले लें तो और भटक सकते हैं ना, फिर और भटक सकते हैं, और भटक सकते हैं। इसलिए अगला जन्म इस टू रिस्की, इसलिए जब साधक बन जाए ना, हमें रीइंकार्नेशन का प्रचार करना चाहिए खूब, लेकिन जब साधन बन जाए खुद के लिए ऐसा ही समझना चाहिए, भाई रीइंकार्नेशन और कुछ नहीं होता, भगवान यही जन्म है, यही मौका है, बस अभी करना है मेरे को जो करना है, आई कैन नॉट अफोर्ड। तो मान, अब जैसे काम वासना है और है, ये तो फिर भी ठीक है साधना, लेकिन ये मान बहुत सूक्ष्म है, मान बहुत सटल है। काम वासना फिर भी थोड़ा दिख जाए व्यक्ति में कि ये देखो ये कामी व्यक्ति, या लोभ फिर भी नजर आ जाए व्यक्ति में, जैसे क्रोध तो नजर आ जाता है ना व्यक्ति में, क्रोध आता हुआ ये नजर आ जाता है कि ये इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये बहुत क्रोधी है, या देखिए इनका क्रोध कितना, क्रोध दिख जाता है, कहीं ना कहीं काम भी दिख ही जाता है। काम मतलब यही नहीं, शारीरिक स्तर पे स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण, और भी ये चाहिए वो चाहिए, इच्छाओं का, प्रबल इच्छाओं का, तो वो भी व्यक्ति के चरित्र में, उसके चेतना में, उस उनमें झलक जाता है, क्रोध तो झलकता ही है, लोभ भी झलक ही जाता है, लेकिन ये मान झलक भी सके या नहीं भी झलक सके ना, हम इतने चतुर बन जाए कि अंदर ही अंदर हम अपने आप में वो मान को बढ़ाए जा रहे हैं, हम अपना मान सम्मान बस एक्सटर्नली हम विनम्र बन के दिखा रहे हैं, ये एक्सटर्नली नो नो आई एम वेरी
लल्लू पंजू से, है ना, कि देखो मैं कितना सरल हूँ, लेकिन अंदर से भाई मान खूब हो रहा हूँ। तो ये मान बहुत गड़बड़ चीज है, बहुत पीछे धकेल देगी। और मान में किसी का, भगवान को कोई रस नहीं मिलता हमारे मान से, और हमें भी कोई स्वाद नहीं आता हमारे मान से, तो क्या फायदा ऐसा मान करा। और एक बार कृष्ण के दर्शन चरित्र वरिष्ठ वैष्णवों का संग मिल जाए इत्यादि, तो हमें तो अपने आप में गंदगी दिखेगी, मान वाली कोई चीज नजर नहीं आएगी ऐसा सच, तो हम मान में इतना फंसने नहीं सके। अपमान ठीक है, अब मान में ये क्यों नहीं होना चाहिए ना। और फिर अब हो भी जाए मान तो कैसे बचेगा मान कोई। अब देखो सहज बात है ना कि कहीं ना कोई हमारी प्रशंसा करेंगे कि माता जी आप कितना अच्छा भोगा बनाते हो, माता जी आप कितनी बढ़िया कीर्तन करते हो, आप कितने अच्छे से माता जी रूम क्लीनिंग करते हो, ये करते हो वो करते हो, कितनी बढ़िया से आप सेवा करते हो ऐसे तो। और भक्त लोग तो नेचुरल प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन उससे हम अपने आप को एसोसिएट ना करें, बंधे नहीं, हम ये स्वीकार ना कर ले कि हाँ हाँ मैंने ही किया है, मैं ही करता हूँ, या मैं कितना अच्छा करने लग गया हूँ, उसको हम स्वीकार ना करें। और उससे हम भटके भी नहीं, एक्नोलेज इज गुड। और क्या जैसे कुछ मान मिले ना, उसको स्ट्रेट ऑन पास करना चाहिए, कहा वरिष्ठ वैष्णव या गुरुदेव को, अगर दीक्षा नहीं हुई है तो, दीक्षा हुई है तो गुरुदेव को ना पास ऑन करना चाहिए, गुरु महाराज को, कि जो कुछ भी मान सम्मान मिल रहा है वो गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज के लिए। और जो कुछ अपमान है वो व्यक्तिगत रूप से हमें उठाना चाहिए, यस दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रेस्पॉन्सिबल, आई नो आई एम एट फॉल्ट, आई डिडंट डू गुड एंड ऑल। मान में ऐसा नहीं है, मान में हम ये नहीं बोलना चाहिए, अच्छा हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अच्छा वैष्णवों का क्या रोल है इसमें, मैं भी तो भक्त हूँ और 15 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, या 3 साल से कर रहा हूँ, मैं भी भक्त हो गया ना, तो थोड़ा बहुत तो मेरे को भी मिलना ही चाहिए, नाम थोड़ा तो मिले, ये सब भाव नहीं आने चाहिए। तो मान को ऐसा नहीं है कि ओके गुरुदेव कहाँ, गुरुदेव अमेरिका में बैठे हैं, ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मैंने खुद इनिशिएटिव लेके इत्यादि ऐसे से किया, एंड लुक आई एम गेटिंग प्रेज फॉर इट, एक्चुअली इट इज ऑल माइन ओनली। तो ऐसा कुछ हम मान में अगर हम थोड़ा सा भी अटक जाए ना, तो फिर हमारा भागवत गीता का अध्ययन में भी बाधा या रस नहीं मिल पाएगा वैसा खूब से खूब, हम बहुत स्टक हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। इसीलिए ना वी हैव टू ऑलवेज एक्ट लाइक अ डिवोटी, हमेशा ही हमें एक भक्त के तरह व्यवहार व्यवहार जीवन बिताना चाहिए, करना चाहिए सब कुछ, एक्ट लाइक अ डिवोटी। बट अब अपने आप को कभी स्वीकार ना कर लें कि मैं भक्त बन गया हूँ, क्योंकि जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर अभिमान या मान आना बहुत सहज होगा, बहुत जल्दी आ सकता है, और धीरे धीरे हम मान अभिमान में फंस सकते हैं। वी हैव टू गो ऑल द वे थ्रू, नथिंग अदर देन कृष्णा। तो मान आए तो उसको तो वरिष्ठ वैष्णव या गुरुदेव को ही देना चाहिए कि ये उन्हीं की कृपा से, अगर कोई मान कर रहा है मान को स्वीकार करें, लेकिन उसमें हम अपने आप को वैसा इन्वॉल्व ना करें। और ये सहज समझ सकते हैं ना, जो जो पोस्टमैन है वो क्या काम करता है, पोस्ट ऑफिस से खत उठाता है ना, और हर घर में जा जा के बांटता है। अब कोई घर में दरवाजा खोला, अरे आप कितने धन्य हो, आपने हमारे लिए ये खत लेके आया, मैं कब से वेट कर रहा था, आपने अमेरिका से हमारे लिए खत ले आया, समझो ये सब बोले उनको, तो वो समझ जाएगा ना, वो बोल देगा तुरंत, भैया आप थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हो, मैं अमेरिका से नहीं लाया, ये तो बस मेरी ड्यूटी है, मेरा आज 9 to 5 में ये आ गया था, और आपके हमारे पोस्ट ऑफिस में आया था तो मैं ये लेके आया, आपको श्रेय देना तो पोस्ट ऑफिस वाले को दो या आगे दो, ऐसे करके मेरा इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, आप गलत ही हिसाब से मेरे को श्रेय दे रहे हो। कई भक्त इतने पक्के होते हैं ना, वो जता देते बता देते हैं कि प्रभु जी नहीं आप मेरे को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, ये दोष है मेरे में, ये दोष है, ये दोष है, दे नेवर टेक एनी क्रेडिट एंड जेन्युइन ह्यूमिलिटी। अगर फोर्सफुल ह्यूमिलिटी भी हो ना तो वो भी अच्छा है, नेचुरल आता नहीं है, जनरल आता नहीं है, फोर्सफुली आए तो भी बढ़िया, और धीरे धीरे फिर हम नेचुरल जनरल में आएंगे, ह्यूमिलिटी में एक दिन हम बन जाएंगे हम्बल, एक दिन अवश्य हम विनम्र बनेंगे। तो ऐसे मान कोई दे तो स्वयं के लिए नहीं,
स्वीकार जरूर करें उसको, लेकिन हम एक्नोलेज करें, स्वीकार करें, लेकिन अपने आप से उसको आइडेंटिफाई एसोसिएट नहीं करें कि हाँ ये मेरे कारण ही। तो उस मान को पास ऑन करना है, और कुछ अपमान होगा तो हाँ वो मेरे कारण ही, उसको मैं स्वीकार करूं और उस पे मैं काम करूं। तो जिसने मन को जीत लिया ना, संसार ही जीत लिया। कितना ना, क्या बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो भले ही छोटा सा पतीला हो, हमें तो ऐसा लगेगा पूरा गंगा आ गया है उसमें, है ना। हम तृप्त, हमारा काम, हम सुकून, हम पीस, चैन, शांति में रहेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? देखिए, कहानी थोड़ी स्मरण में आ रही है, श्लोका के साथ बैठता भी है। और सुन भी रखा होगा, भक्त भक्त लोग समझाते हैं, भक्त समाज में क्या। एक बार एक व्यक्ति होता है, यूरोप से वो नेपाल आता है। यूरोप से नेपाल आता है किसलिए? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। तो आगे वो यूरोप से नेपाल ट्रेवल करके ना, जर्नी अपनी प्लेन में लेके इत्यादि, और नेपाल में आके फिर काठमांडू रुक के आगे अपना पैकिंग और करके आगे चले गए, और जहाँ से भी उनको चढ़ाई करनी हो वहाँ पे उस जगह जाके होटल में एक अपना कमरा ले लिया और रहे, हा? और अपने शरीर को सेटल डाउन कर लिया इस हिसाब से। फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं समझो परसों मैं चढ़ाई करूँगा और जाऊँगा, इसे सुबह 4 बजे मैं निकलूंगा, तो ऐसे पैक करके रूम खाली करके मैं चले जाऊंगा इसे। तो ठीक है, आ गया परसों, और वो सुबह 4 बजे निकलने को टाइम से अपने निकल गए, निकल रहे हैं टाइम से, सब कुछ पैक कर लिया, चाबी दे रहे हैं रूम के, और रिसेप्शन में जाके फिर मिलके और फिर बाहर जा रहे हैं। तो रिसेप्शन में जो स्टाफ हो रहा है उनको बोलते हैं, सुबह 4 बजे सर आप आ गए हो, लेकिन इतना बर्फ है, इतनी बर्फ हो रही है, इतनी वर्षा हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, बर्फ हो रहा है बहुत, तो आप ऐसा करो ना, परसों से आपकी चढ़ाई करो, तरसों से करो, आज आज की बात है, मौसम थोड़ा सा है, कल परसों से आप करो, तरसों से करो, 3 दिन बाद आप कर लो, वो बेटर रहेगा। तो ऐसे करके और कोई कोई कुछ उनको समझा रहे हैं, आप वहां से चले जाओ, आप ऐसे ले लो, ये कर लो। तो वो क्या उत्तर देते हैं कि है ना, देखो चढ़ाई तो मैंने कर ली, जिस दिन मैं नेपाल पहुंच गया या जिस दिन मैं होटल में घुस गया ना, उसी दिन मैंने चढ़ाई कर ली माउंट एवरेस्ट की। होटल में घुस गया, होटल से मैंने देख लिया ना पहाड़ को, तभी मैंने चढ़ाई कर ली माउंट एवरेस्ट की, मन से पूरी चढ़ाई कर ली, अब तो बस शरीर को लेके जाना है मेरे, मन से मैंने पूरी चढ़ाई कर ली है ऊपर तक, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, देख लिया मैंने पूरा, चढ़ गया, चला गया मैं, झंडा भी गाड़ दिया इत्यादि सब, ऊपर में समय भी बिता दिया, मन से मैंने सुखद रूप से चढ़ाई कर ली पूरी की पूरी, अब तो बस शरीर को लेके जाना है, तो क्या दिक्कत है, आंधी है या तूफान है, कोई नहीं, है ना। तो वो ऐसा उत्तर दे के उस रिसेप्शन में वो चले गए, चाबी पकड़ा के, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, ठीक है उनको दिक्कत नहीं, और वो चले गए और वो चढ़ाई कर ली उन्होंने। तो सबसे पहले ना मन ही को जीतना है, मन को अति आवश्यक है, ये सभी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के, कारोबार के, व्यापार के, घर परिवार के, संबंधों में, रुपये पैसों के मामले में, हर ही क्षेत्र में पहले मन को जीतना है। मन जहाँ जीत लिया ना, तो शरीर तो बस फॉलो करेगा, शरीर को फिर कोई दिक्कत नहीं, शरीर फिर तो बस मन ही लेके जाए। इसीलिए देखिए कई बार कई भक्तों को सुबह मंगल आरती में आने में समस्या होती है बहुत, है ना, हो जाती है, या सुबह उठने में कईयों को बहुत समस्या होती है, चाहे मंगल आरती में आना हो या नहीं आना हो, जनरल मन, क्यों, क्योंकि मन को नहीं समझाया ना, मन को नहीं। जिस दिन मन से हमने जीत लिया तो फिर हम अलार्म स्नूज और करते नहीं रहेंगे ना, फिर मंगल आरती के लिए, तो वही बात है, मन से अगर हम अपने आप को उठा लेना ऊपर, मन से हम जीत लें। देखिए मैं तो वास्तव में ये कोई
ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने वाली बात नहीं है ना, कई बार फेक ह्यूमिलिटी भी दिखाते हैं ना, थोड़ी सी फेक ह्यूमिलिटी की, देखो देखो थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए ना, कि देखिए ये फेक होके भी दिखाने के लिए कि आई एम सो गुड सो दैट एक्चुअली अदर्स रिकॉग्नाइज एंड ओके या बट इंटरनली मेरा है ना अप्रिसिएशन का भाव, तो मैं अपने आप को ऐसे करूँ विक्टिमाइज्ड रूप से पेश करूँ अपने आप को, तो मेरे को अप्रिसिएशन सिंपैथी एम्पैथी मिलेगी और मैं वैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करूँ, तो ये ऐसा कोई भाव नहीं है मेरी वास्तव में भागवत गीता की बेसिक ही कहूँगा मैं समझा, और खास करके ये छठा अध्याय भी ना मन के ऊपर मेरे को इतना इतनी मेरी ऐसे ही अनकंट्रोल्ड माइंड है और इतनी बढ़िया समझ नहीं है, बट बहुत भगवान ने इतना कुछ हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें अपने आप को साधना में अच्छे से रखने के लिए लाने के लिए ना, और सबसे पहले तो क्यों क्यों मन को कंट्रोल, क्योंकि सातवां अध्याय आठवां अध्याय में प्रवेश करना है ना, वो सब में उनको समझने के लिए मन को कंट्रोल करना ही होगा, बिना मन कंट्रोल करिए सार गीता का संदेश इत्यादि हमारा एकमात्र ही लक्ष्य है, वही बात कल भी करे परसों भी हमेशा ही क्या ना तुलसी महारानी की प्रार्थना, और भी हम देखें तो भगवान को ही पाना, शिशि राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों को ही पाना, उन्हीं की सेवा, वही हमारा जीवन का बस एकमात्र अभीष्ट है, अनुगत्य भाव में भगवान की सेवा करना, जैसा महाप्रभु कहते ना, ना हम विप्रो न च नरपति ना पी वैश्य ना शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोदयान निखिला परमानंद पूर्णामृताब्धे कोपी भर्त पद कमल और दास दास अनुदास, तो ये ही हमारी पहचान है वास्तव में, दास दास अनुदास, और इस भाव में आना और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, इसी भाव में आना कि मैं दासों का दास बनूं, उस भाव में, और इस भाव में आने के लिए अभिमान नहीं चलेगा, घमंड नहीं चलेगा, मान नहीं चलेगा, मान नहीं चलेगा, तो एक यही लक्ष्य है, और इसीलिए माइंड कंट्रोल ताकि इस भाव में आए, क्योंकि संसार तो हमें सब कुछ देगा ना, संसार मान भी देगा अपमान भी देगा, भक्त लोग भी, भक्त लोग से मान भी मिलेगा अपमान भी मिलेगा, हाँ खैर ऐसे भक्त लोग कुछ अपमान या वैसे नहीं करते, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस के लिए चेस्टाइजमेंट बोलते हैं, डांट भी मिलेगी उनसे प्रेम भी खूब मिलेगा, तो भक्तों से डांट भी मिलेगी वो भी उनकी कृपा ही है, लेकिन हमें उसे अपमानित ना हो, और संसार इन जनरल जो अभी तक भक्त नहीं बने वो भी हमें मान देंगे और अपमान भी देंगे, लेकिन उस मान हो या अपमान हो उसको हमें अपने आप में कंसीडर नहीं कर लेना है, मान हो तो गुरुदेव की कृपा डेफिनेटली, और ये नेचुरल आना चाहिए ना, और नहीं भी आए तो फोर्सफुली हम लेके आए धीरे धीरे, एक दिन बन जाएगा नेचुरल, मान आए तो श्री गुरुदेव की कृपा, वैष्णवों की कृपा है, भक्तों की कृपा, उन्हीं वही मान सम्मान्य है, मैं मान का हकदार नहीं हूँ, वही उन्हीं की कृपा से ये तो मेरे निमित्त में बन गया, अपमान हो तो हाँ भाई मेरे ही कर्मों की गति है, मेरे ही कर्मों की गति है, मेरे ही कर्मों के कारण, मेरे ही संसार संस्कार, मेरी समझ, मेरी इच्छाओं के कारण, अपमान को हमें स्वयं, गलती को हमें स्वयं के लिए रखना है, यस दिस इज माई फॉल्ट, anything good then no I didn't I'm not I, the credit should not be coming to me, उसका श्रेय वरिष्ठ वैष्णव को गुरु महाराज को, और किसी का ब्लेम है ना वो हमारे लिए, उसको हमें व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि this devotee or that devotee, no that's my responsibility, तो मन को जीतना अति आवश्यक है, बोलते ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर किसी का मन किसी ने जीत लिया तो उसको पतीले में भी गंगा पूरा जितना सुख या काम या उस हिसाब से उसको कोई कमी नहीं लगती है, तो ये वही उदाहरण वो घटना कहानी है, वो व्यक्ति यूरोप से आ गए नेपाल, अपने रूम में भी लॉगिन वो भी कर लिया, क्या बोलते हैं एंटर कर लिया ना, वो चेक इन कर लिया रूम में आ गए अपने चाबी सामान सब कुछ और खाता पाई का काम भी कर लिया सारा, अकाउंट्स में रिकॉर्ड और अपना स्टेटस ये डाल दिया सब कुछ,
और एक रात दो रात रेस्ट भी कर लिया इत्यादि, फिर उनको बोल रहे हैं कि देखो मौसम ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या उत्तर दे रहे हैं, चढ़ाई तो मैंने कर ली, चढ़ाई तो पूरी कर ली है मैंने, बस अब इस शरीर को लेके जाना है, इस शरीर को मैं लेके जा रहा हूँ बस। ऐसे ही भाव में हमें भी आना है, ऐसे ही भाव में जितनी शरीर से हम डिटैचमेंट डेवलप कर पाएंगे ना, उतना सुख अनुभव करेंगे, उतनी शांति अनुभव करेंगे, कि इस शरीर को मैं नहलाने जा रहा हूँ, इस शरीर को खिलाने, इस शरीर को पिलाने सुलाने इत्यादि, ऐसे जितने इस शरीर से हम डिटैचमेंट डेवलप कर सकेंगे तो उतना हम टाइम, देखो यही ना, मन को अगर संभाल लिया ना भागवत गीता के इन शिक्षाओं के अंतर्गत, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हमारा सही बैठ जाएगा अपने आप, कोई कोई अलग से सेमिनार की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं होगी हमें, कोई अलग से सेमिनार की टाइम मैनेजमेंट के लिए, या किसी बाहर में है ना, जो अभी तक भक्त नहीं माने मोटिवेशनल स्पीकर, या उनके पास जाके भी पैसे दे के सुनने के लिए कि टाइम कैसे मैनेज करें इत्यादि। और भगवान है ना परमात्मा स्वरूप में विराजमान, अगर हम अच्छे भक्त के, भक्त तो सभी अच्छे हैं, अगर हम सजातीय संघ में हो है ना, इंस्पायरिंग डिवोटी के संघ में हो, और डिवोटी एसोसिएशन बराबर से ले रहे हो, तो परमात्मा स्वरूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान हमें सब कुछ समझा देंगे, टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या स्किल्स, टिप्स, कंट्रोल करना माइंड सेंसेस, फाइनेंस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अलग अलग से भी सेमिनार, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, थेरेपी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस भाव में, और ये देखिए ये अचीवेबल है, डूएबल है, प्रैक्टिकल है, ये भागवत गीता में कुछ ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिकल नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि अचीवेबल या डूएबल नहीं है। अभी अगर हम 1 घंटा 2 घंटा करते ना श्रवण कंटिन्यूस, शुरू में तो नहीं था ऐसा, बन रहा है ना, तो डूएबल अचीवेबल तो है। जैसे पहले कई बात करी ना, माँ की पेट से कोई साधुन बन के नहीं निकलता, ना ही कोई माँ की पेट से डाकू का जन्म होता है, जन्म तो जीव का ही होता है, फिर तो संस्कार, स्वभाव, समय, स्थान और संघ, संघ सबसे महत्वपूर्ण। वैसे करके अब देखिए एक प्रकार से इसको प्रश्न के रूप में भी हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं, बताओ आप लोग थोड़ा, ये इसको चिंतन करने लायक है। आज सन 2022 है ना, 24 अगस्त सन 2022 हम, और समझो आज के डेट में एक बच्चा जन्मा होगा, दो बच्चे जन्मे होंगे, समझो एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चे जन्मे हैं आज ही के डेट में, अब 25 साल बाद जाके एक चोर बनता है, एक डाक, एक पुलिस बनता है, और वही पुलिस उस चोर को पीछे पकड़ता है, तो क्या ऐसा कारण है कि कोई पुलिस बन रहा और कोई चोर बन रहा है, सेम डेट में जन्म हुआ दोनों का, सेम ही अस्पताल में इत्यादि, एक ही मोहल्ले में भी रहते हो, लेकिन एक लड़का बन जाता है चोर और एक लड़का बन जाता है पुलिस, और फिर वही चोर पुलिस का गेम खेलते हैं। घर परिवार में भी हम देखते हैं ना, जुड़वा भाई बहनों में ही देखते हैं ना अंतर आ जाता है, घर परिवार में भी देखते हैं ना, थोड़ा ही कम उम्र का गैप होगा भाई भाई में, सेम परवरिश सब कुछ, लेकिन एक जाता पूरब एक जाता पश्चिम। तो ये प्रश्न के रूप में भी अगर आप लोग समझाना चाहो थोड़ा, क्या कारण हो सकता है कि घर परिवार में एक भाई पश्चिम जाता है, एक पूरब जाता है, एक का जीवन शैली, जीवन की समझ क्या, दूसरे की कैसी, और एक ही अस्पताल में दो बच्चे जन्म हुए, एक ही डेट में, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ऐसे एक बनता चोर एक बनता पुलिस आगे जाके, और फिर पुलिस चोर को पीछे कर दिया। अनम्यूट करके अगर कोई बोल सके तो बोलिए। तो कर्मा, हाँ कर्मा कह रहे हैं कि उनके निजी व्यक्तिगत कर्म, देखिए हमारे कर्म हमें ऐसा चोर या पुलिस नहीं बनाते इत्यादि, ठीक है, उसकी एक प्रोपोजिशन, उसका एक वो रहता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी, या उसकी एक वो रहती है कि हाँ ऐसे जाके होंगे वैसे जाके, ना एक प्रिडिक्टिव वे से, व्यक्ति चयन तो खुद ही करता है ना, चयन
व्यक्ति खुद ही करता है। कर्मा का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल है, और भी बोलिए कर्मा का एक रोल तो, क्योंकि कर्मों के गति के अनुसार ही हमें परिवार मिलता है ना, समय स्थान मिलता है, संगति। देखिए कर्मों को, विगत कर्मों को नहीं बदल सकते ना बाबा। अब जिस परिवार में जन्म हो गया कैसे बदल सकते हैं उसको, नहीं बदल सकते। क्या करें, छोड़ के भाग जाएं क्या? नहीं। खैर ये थोड़ी सिचुएशन, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस और पर्सन टू पर्सन थोड़ी थोड़ी बातें आ जाती हैं। तो ये हमारा कर्म का रोल है, इच्छाओं का बहुत बड़ा रोल है। कर्म तो देखिए पीछे के है ना, तो वो हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ संभालना है तो प्रेजेंट को ही प्रोटेक्ट करना है, प्रेजेंट को ही संभालना है। बोलते ना जो बीत गई सो बात गई, बात ठीक भी है, जो बीत गई सो बात गई। अगर कुछ भूल जाना है लायक हो तो वो तो हमारा अतीत ही है, पास्ट ही है, भूल जाओ उसको। अभी पास्ट में मैंने 1 करोड़ कमा लिया, भूल जाओ उसको, पास्ट है वो। पास्ट में मैंने 1 करोड़ गंवा दिए, भूल जाओ। पास्ट में मैं मिस यूनिवर्स बनी, भूल जाओ। पास्ट में मैं फकीर चंद बन के आ गया, भूल जाओ बाबा। तो जो भूलने योग्य है ना वो अतीत ही है हमारा, पास्ट। जो कुछ संभालने योग्य है वो प्रेजेंट। कुछ अगर किसी की सुरक्षा करनी है तो अपने प्रेजेंट मोमेंट की हम करें, और जो संवारने योग्य है ना वो फ्यूचर ही हमारा। लेकिन फ्यूचर कैसे संवरेगा हमारा, प्रेजेंट को अगर संभाल दिया तो। प्रेजेंट मोमेंट को अगर हम संभाल दिए ना तो फ्यूचर संभल जाएगा पूरा का पूरा। अब प्रेजेंट मोमेंट को संभालने के लिए मन कंट्रोल चाहिए, चाहिए माइंड कंट्रोल, वरना प्रेजेंट मोमेंट संभलेगा नहीं। तो प्रोटेक्ट अगर प्रेजेंट को कर लिया ना तो हमारा फ्यूचर। इसीलिए संबंधों में, रिलेशनशिप्स में, पति पत्नी के बहस में देखो, कई बार बहुत ज़्यादा बहस बढ़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा ही आर्गुमेंट बढ़ जाता है, माहौल खराब हो जाता है। भाई भाई के बहस में, अब उस बहस में क्या है, प्रेजेंट मोमेंट को कोई संभाल ले उस मोमेंट में तो कितना बच जाएगा भाई, है ना। रिश्तेदारी में और भी कुछ ऐसा, डिसीजन मेकिंग में, बहकावे में आके हाँ ना बोल दे, ना भी ना बोले, प्रेजेंट मोमेंट को संभालने तो फ्यूचर संभल जाएगा, संवर जाएगा। तो एक कोई डाकू बने, एक कोई चोर बने, कर्मों का बहुत बड़ा रोल है, इच्छाओं का रोल है। लेकिन कर्म क्या है, कर्म तो हमें वो घर परिवार दे रहे हैं, फिर स्थान दे रहे हैं। समय का एक बहुत बड़ा रोल होता है, समय। सन 2022, आज का, अभी का देखो, आज के पीढ़ी है ना, ऐसे बोलते हैं ना, समय का कितना बड़ा रोल है। फिर समय का रोल है, स्थान का रोल है, कहाँ पे हम रहते हैं, समय का एक रोल है, स्थान का रोल है, हमारे संस्कारों का रोल है, हमारे संस्कारों का पूरा रोल है, स्वभाव का हमारे रोल है। इतने इतने संस्कार बन के हमारे स्वभाव बनता है ना, एक बहुत जटिल होता है स्वभाव, बहुत जटिल। स्वभाव का एक रोल है, और क्या, संग, संघ का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए संस्कारों को बदलना, संस्कार मतलब जो थोड़े अदृश्य भी हो ना, संस्कार को नहीं बदल सकते, बहुत कठिन है। ऐसे कैसे बदलने संस्कार को, स्वभाव को भी बदलना बहुत कठिन है, भयंकर कठिन है बाप रे। समय का क्या बदल सकते हैं, 2022-23 समय तो ऐसा ही है ना बाबा। स्थान का भी क्या बदल सकते हैं, वो स्थान को बदलने का इतना उपाय नहीं है ना। संघ को बदला जरूर जा सकता है, हमारा संघ, ये हमारे हाथ में है। पिछले कर्म जन्मों का कर्म का कुछ कर नहीं सकते सच, लेकिन चॉइसेस तो हम अपनी सुधार सकते हैं ना अभी के लिए। समय हमारा कुछ भी हो, स्थान कुछ भी हो, संस्कार हमारे कैसे हो, स्वभाव कैसे हो, इच्छाएं कैसी हो, है ना, कर्म कैसे हो, वो कर्म ही हमें लेके जाते हैं, समझो कि ऐसा एक ढांचा तैयार हो गया हमारे कर्म और इच्छाओं के लेके, कि चलो भाई शराब पीने का संग मिला। लेकिन चॉइस तो हमारे हाथ में है ना, कर्म हमारे सामने कुछ ला रहे हो, वी हैव दैट चॉइस टू से यस और नो। बट अगर हम बद स्टेट में है ना, तो वी विल बी मेकिंग द रॉन्ग चॉइस फॉर श्योर, इफ वी आर इन कंडीशन स्टेट। इसीलिए संघ कितना महत्वपूर्ण है।
बट हमारे सामने अगर समझो एक इंस्पायरिंग है ना, समवन हु कैन लुक अप टू, समवन हु वी कैन लुक अप टू, समवन हु सी एज ब्लेस्ड, समवन हु सी एज एडवांस्ड, समवन हु सी एज यस ही इज प्योर, ही इज जेन्युइन, समवन हु सी एज यस ही इज एंगेज्ड इन भजन, ही हैज कॉन्टेक्ट विद कृष्णा. तो वैसे वैष्णवों का, वरिष्ठ वैष्णवों का संग करेंगे तो उनके संग की कृपा माध्यम से फिर हमारा संस्कार दोष छूट जाएगा, संस्कार दोष हमें नहीं पड़ेगा, स्वभाव दोष छूट जाएगा, समय दोष, तान दोष, उनका प्रभाव नहीं होगा हम पे, प्रतिकूल समय भी अनुकूल बन जाएगा या ठीक रहेगा, चोट नहीं खाएंगे हम, प्रतिकूल संग भी, प्रतिकूल स्थान भी अनुकूल बन जाएगा, चोट नहीं खाएंगे हम, है ना. इसीलिए वैष्णवों का संग, हरिनाम का संग, श्रीमद भागवतम का संग, ये सब दिव्य है, दिव्य है. और उसमें अगर व्यक्तिगत रूप से विशेष करके भक्त का एक वैसे ऊंचे भक्त का संग मिल जाए तो वो तो बहुत, वो अति अति लाभदायक है, अति वांछनीय, अति महत्वपूर्ण है. तो यही है, अभी बच्चे तो दो पैदा हो गए, दोनों होंगे भी 25 साल के 30 साल के, एक बनता डॉक्टर, एक बनता चोर, ना, एक बनता पुलिस, एक बनता चोर. लेकिन वो जो चोर है वो चोर नहीं भी बने अगर संग संग ठीक कर लिया अपना, संग ठीक नहीं किया तो फिर बहुत गड़बड़ है. और इसी ना संग में आने के लिए या संग करके क्या, माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल. ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है हमें, इसी में हम अपने आप को समझें कैसे. देखिए मनुष्य जीवन मूल्यवान है लेकिन बिना इसकी मूल्य समझे और एक्सरसाइज करे क्या मूल्यवान है बताओ. जैसे किसी ने पासपोर्ट या आधार कार्ड कुछ बना लिया लेकिन उसका स्टूडेंट पास बना लिया, यूज ही नहीं कर रहा तो क्या वैल्यू है स्टूडेंट पास की, है ना. गाड़ी खरीद ली लेकिन क्या उसको पर्दे में ढक के गराज में रखे रखे, है ना. तो वैसे मनुष्य जीवन मिल गया लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, साधु संग नहीं कर रहे, तो इतना मूल्य तो है लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पा रहे. फिर साधु संग उसमें, और वो गजब की बात है, कितनी, वी आर वेरी रेयर, वी आर वेरी ब्लेस्ड डेफिनेटली. तो अब इसको और थोड़े ऊंचे सोपान तक लेके जाना है, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट लेवल, है ना. तो मन से अगर हम अपने आप को जीत पाए तो सुबह मंगल आरती हम अटेंड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें. मन से जीत पाए तो रात को टाइम पे ही सो पाएंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी. कई बार हो जाता है ना, बोलते ना कि भाई नींद नहीं आती मेरे को, मेरे को टीवी चाहिए, ये चाहिए, सुनना चाहिए, मेरे को चाय चाहिए, ये चाहिए, तब जाके इतने यत्न करने के बाद मैं सो पाता हूँ. लेकिन अब उसके लिए मोटिवेशन चाहिए ना, पर्पस चाहिए क्या. और यहाँ अल्टीमेट दिव्य पर्पस, दिव्य मोटिवेशन. तो ऐसे हम मोटिवेट, भगवान के दर्शन की बस कामना अगर हम रखें ना कि नहीं इसी जन्म में दर्शन पाने हैं, तो हम अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, नेचुरली करेंगे. मैन इज वन हु कैन बी मॉडिफाइड, है ना. वही मनुष्य है हु कैन मॉडिफाई हिज इंस्टिंक्ट्स. अभी तुम कंडीशन स्टेट में, तभी कंडीशन स्टेट मतलब क्या, आहार, वेयर इज फूड, कहाँ खाना, खाना खाना, जीव लब लब आती है ना, आहार, भाग इधर उधर, और ये टेस्टी नहीं है, ये बहुत टेस्टी है, द्वंद में फिर हाय हाय ये क्या घटिया बनाया अचार, ओहो ये देखो कितनी अच्छी पनीर की सब्जी बनी है. तो ये कंडीशन स्टेट में आहार आहार और ऐसा भाव. ऐसा नहीं है कि कोई शुद्ध बन गया तो उसको आहार नहीं चाहिए, वो पाएगा लेकिन वो प्रसाद रूप से पाएगा, भगवान के प्रसाद रूप से. और वो ऐसा भाव नहीं होगा उसका, आहा ये कितना बढ़िया और देखो ये क्या घटिया है. तो कंडीशन स्टेट मतलब क्या, ड्रिवन बाय आहार, फिर क्या निद्रा सोने के लिए, और उसमें भी इम्बैलेंस, आहार में भी इम्बैलेंस, सोने में भी इम्बैलेंस, आहार निद्रा भय. कंडीशन स्टेट मतलब मटेरियल भय बना रहेगा, छूटने का बना रहेगा भय, और क्या मैथुन,
इंद्रिय तृप्ति का सुख, उसी में व्यक्ति खूब कटता रहेगा एकदम। तो मन को हमें जीतना अति आवश्यक है। जिसने मन को जीत लिया, परमात्मा समाहिता, वही माउंट एवरेस्ट तो मन से मैंने पार कर लिया, चढ़ गया मैं पूरा ऊपर, अब बस इस शरीर को लेके जाना है। तो यही ऐसे ही हम अपने आप को, मन को प्रिपेयर करें इसके लिए, और इसीलिए नाम जप करें हम खूब तीव्रता से, खूब फोकस अटेंशन से और संख्या बढ़ाते हुए। वरना ऐसा नहीं है कि मन कंट्रोल, हाँ 2 माला 4 माला 8 माला 10 माला संख्या बढ़ाते हुए और फोकस पर्पस अटेंशन, है ना। और कई चीजें, नाम जप करने से पहले हरि नाम की महिमा सुने, नाम जप की क्या महिमा है, हरि नाम प्रभु की क्या महिमा है। नाम भी दिव्य पुरुष है ना, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो क्या महिमा उनकी, उनसे और परिचित हो और अवगत हो। नाम जप से पहले थोड़ा सा रीडिंग करें, कुछ कॉन्टेम्पलेशन करें, तो ऐसे अपने माइंड को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, बनेगा भी होगा भी। सेटल डाउन कहीं नहीं होना है हमें भक्ति में, सेटल डाउन कहीं नहीं होना है। एक बार के लिए ठीक है मैंने 4 माला फिक्स कर रखी है, लेकिन उससे आगे बढ़ना है, 8 माला कर रखी है, 8 माला से भी आगे बढ़ना है। अल्टीमेटली कीर्तन्य सदा हरी स्टेज में आना, मतलब सतत स्मरण भगवान का, सतत 24 घंटा सहज, उसके लिए ही माइंड कंट्रोल, अपने माइंड को ऐसा बनाए। देखिए गोपियों की क्या शिकायत थी, गोपियां परस्पर में या भगवान को या परस्पर में शिकायत करती थी क्या, कि बाकियों का तो देखिए भगवान में क्या बोलता, मन नहीं लगता कामों में व्यस्त है इत्यादि, और वो कहती है कि हमारे मन से तू निकल जा, है ना कन्हैया, हमारे मन से निकल जा, तू निकलता क्यों नहीं है, तेरे को कैसे निकालें भाई, पूरा और तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा हमारा, पूरा मन तो तेरे में ही रम गया एकदम से, अब फिर हमसे कहाँ संसार का कुछ काम हो पाए, घर परिवार का। ऐसे ही गोपियां करती थी, मन को भगवान में लगा के बस शरीर उनका चल रहा है, रसोई बना रही है, हो रहा है, शरीर से मन लूट गया ना। तो इस मन को हमें चोरी कर ले भगवान, चित्त चोर ना, चित्त चोर, कब वो सौभाग्य होगा कि भगवान हमारे चित्त को चुरा ले। तो उस चित्त को चुराने के लिए बस उसको थोड़ा कॉम्पेटिबल तो बनाना होगा ना, हमारे चित्त को उतना कॉम्पेटिबल तो बनाना होगा, उतना प्योर तो, पूरा प्योर तो हम बना नहीं सकते, लेकिन एक डिसेंट प्योर, जैसे होता ना क्या क्राइटेरिया, एडमिशन, जॉब एडमिशन या मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम 55% चाहिए तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो या आपको सीट मिल सकती है ऐसे से। तो वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तो हमें बस उतना अटेंड करना ही है ना, और मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, 33% ग्रेस मार्क, उतना ही बस लाना है। तो भगवान हमारे चित चुराने के लिए, भगवान क्या, कृष्णा तो अपने स्वीट विल से सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर करें तो संभावना है। यस, देन भगवान हम पे भी अपनी कृपा कटाक्ष करेंगे, कृपा डालेंगे, है ना। तो गोपियां ने को तो चित चुरा लिया था भगवान ने पूरा, या उनका तो चित उन्होंने पूरा भगवान को दे रखा था, भगवान की लीला स्मरण में, चिंतन गायन में। तो ये गोपियों की दशा, वो बोलते हैं भाई हमसे कहाँ हो पाए घर का काम। उनकी सास उनको डांटे कि भाई तेरे को पानी भरने भेजा था, तू क्या करके आई है, ये तेरे को रसोई ऐसे बनाने भेजा था, तू क्या रोटी जला दी, ये तो भाई क्या करूं मैं, क्या करूं, मन तो मेरा पूरा श्याम सुंदर में चला गया, कैसे तो ना कैसे वो। अब हमारा दशा पूरी विपरीत है, हमारी दशा, हमारे मन में संसार पूरा घर बैठा रखा, भगवान का कहाँ चिंतन स्मरण है, कहाँ है। तो एक ये कि भगवान उनके मन से निकल नहीं रहे हैं, और निकलते नहीं ना, कृष्णा बड़े है ना, कृष्णा इज टू ब्यूटीफुल, इज टू गुड, he has every right। तो एक बार भगवान किसी को पकड़ ले, छोड़ते नहीं है। ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं ना कि
ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल सखा और सब गाय और चुरा ली भगवान की। देखो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं ना भगवान की, ब्रह्मा जी को भी चोर बना देते हैं, सोचो है कि नहीं। ब्रह्मा जी टॉप मोस्ट इंजीनियर ना, टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, फर्स्ट लिविंग बीइंग, अजन्म ना ब्रह्मा जी, भगवान की नाभि से ही जन्म हुआ, खेलजा जन्म इन द सेंस भगवान की नाभि कमल से उनका जन्म हुआ। ऐसे करके इतने टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी को क्या चोरी करने पे आ गए ना भगवान की लीलाएं देखते हुए, ऐसी गजब की कृष्ण की करामात देखे ना। तो अब ग्वाल बाल सखाओं सबको चुरा लिया और गायों को भी बछड़ों को भी चुरा लिया ब्रह्मा जी, पहले बछड़े को ले गए फिर सखाओं को ले गए। तो भगवान ने क्या, भगवान ने अपना ही विस्तार कर लिया उन गायों में, उन बछड़ों में, उन बालकों में, उन सखाओं में, और हूबहू ऐसे करके। तो एक साल तक भगवान वैसे ही उनके साथ रहे। खैर कथा से हम सब परिचित हैं। खैर जो मेरा कहने की बात है कि एक साल बाद भी ना, जब इसका थोड़ा निरूपण होता है बलराम जी को और ऐसे, तो हम देखते हैं कि भगवान ने ना वो एक साल बाद ब्रह्मा जी आते हैं अपने लोक में, गए बच्चों को ट्रांसफर किया, बच्चों को ट्रांसफर किया, फिर नीचे आए ब्रह्मा जी, तुरंत गए, तुरंत नीचे आए, पानी तक नहीं पिया, कुछ नहीं, रेस्ट नो, तुरंत गए, तुरंत नीचे आए। तो नीचे आके क्या देखते हैं कि भाई एक साल बीत गया, वो पिकनिक तो ऐसे ही चल रही है, कृष्ण वहीं बैठे हुए फील्ड में, उनके सारे सखा भी वहीं बैठे हुए फील्ड में, और सब पिकनिक मना रहे हैं, बछड़े भी वहीं पे, और सबके हाथ में जो निवाला था ऐसा का ऐसा ही था। तो आचार्यगण बताते हैं, समझाते हैं कि भगवान है ना, एक बार जो पकड़ ले तो वो छोड़ते नहीं है, नहीं छोड़ते, लेकिन कमी हमारे में ही है ना। तो भगवान ने जैसे वो निवाला पकड़ लिया था, बांसुरी पकड़ ली थी, बछड़े को पकड़ रखा था, जो भी, तो किसी को कुछ छोड़ा नहीं, सब वैसे के वैसे। कृष्ण पकड़ना जाते जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते, और हम छोड़ना जानते हैं भगवान को, पकड़ना नहीं जान पा रहे, है ना। देखो ऐसी विडंबना ना, हमारे हाथ में क्या, ना माया ना राम, सोचो कितनी कितनी बड़ी विडंबना है, ये सोचने की बात है ना। ना भगवान है हमारे हाथ में आए, ना माया आई है। सो कृष्ण तो वो जो पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते। भगवान अनादिकाल से हमारा संबंध है ना, भगवान ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं है, हम ही भगवान को छोड़ते आ रहे हैं, हम ही भगवान को छोड़ते आ रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हम है कि हम पकड़ना नहीं जानते, ना हम भगवान को पकड़ रहे ना माया को पकड़ रहे। सोचो कैसी भूल भुलैया में कहाँ हम अपने आप को भटका के बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति इतनी अगर उसमें जागरूकता, इतना विवेक उत्पन्न हो जाए कि हाय भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूँ, ना तो मैं भगवान को पकड़ रहा हूँ ना मैं माया को भोग पा रहा हूँ, है क्या हम में से कोई कोई हो संसार में, कोई एक व्यक्ति बोल दे क्या, मैं माया को भोग रहा हूँ, मजे से बहुत भोग लिया मैंने, खूब भोग रहा हूँ, खूब आनंद पा रहा हूँ, खूब सुख भोग रहा हूं मैं, कोई बोल सकता है क्या कि मैं माया को चीट कर रहा हूँ, माया वो जो हमें भोगने ना दे, तो कोई बोल सकता है क्या मैंने चीट करके माया को, मैं तो भोग रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो इतना विवेक अगर हमें जागरूक हो जाए ना, जग जाए कि भाई भगवान तो मिले ही नहीं है, ऊपर से विडंबना माया भी हाथ नहीं लग रही है, माया भी हाथ नहीं लग रही है, सुख तो कम दुखी पीछे पड़ा है, तो व्यक्ति क्या करे, रोएगा ही ना व्यक्ति, क्या करे, जो कुछ करे वो छोड़ेगा ही, आश्रय लेगा भगवान का कि भगवान अब बस मैं हार गया, चलो आप जीते, थक गया मैं, अब क्या करूं भाई, आई एम सो हेल्पलेस, वेरी लेस कंट्रोल, आई मीन नो कंट्रोल, सो नाउ हेल्प मी आउट, है ना। तो व्यक्ति ऐसे में क्या करेगा, रोएगा ही रोएगा। हम साधकों को देखो, जो साधना क्रम में आएगा वही ऐसे समझ पाएंगे ना, इसलिए श्रवण अति अनिवार्य है, जितना सुनेंगे तभी कृपा आकृष्ट होगी भगवान की, परमात्मा स्वरूप में भगवान हमें समझाएंगे, समाधान कराएंगे पूरा।
अन्यथा तो ऐसा नहीं है ना कि हम बस घर परिवार कारोबार संसार के कामों में लगे हैं और चलो हाँ बढ़िया है, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी जन्माष्टमी में चंदा दिया, भागवत गीता, हाँ अच्छा अच्छा बढ़िया है, भागवत गीता का 20वां अध्याय मेरा बेस्ट अध्याय है ना। एक तो ऐसे ही बोलेंगे भाई 20वां अध्याय आपको कैसा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है जी, है ना। 20वां अध्याय में जो 800 नंबर श्लोक है तो इतना हमें विवेक अगर जग जाए हमें कि देखो क्या मैं हो रहा है मेरे साथ, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लू ना कि भगवान देखो आप तो मिले नहीं, माया भी नहीं मिल रही है, माया मिल भी नहीं सकती कभी, आप जरूर मिल सकते हो। तो अब फिर व्यक्ति कृष्ण के पीछे ही भागेगा ना, भागना ही चाहिए फिर भगवान के पीछे। तो फिर से मन से तो हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, इसीलिए यही 5वां श्लोका 6ठा श्लोका 7वां जो भी पढ़े, अलग अलग भावों से अलग अलग एंगलों से, लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही है, लक्ष्य लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है हमें, अपने लक्ष्य को राधा कृष्ण के चरणों की सेवा, अनुगत्य भाव में, दास दास अनुदास भाव में, वो हमारा लक्ष्य है। नाम जब भी करें ना तो यही हमारा लक्ष्य, श्रीमती राधा रानी को ही प्रार्थना वो है ना। तो ये ऐसे भागवतम में अनेकों ऐसे चीजें हैं हमें समझने के लिए, समय का अभाव है हमारा और समय का हमें अभाव हमेशा रहेगा, और हम भी साधना में और थोड़ा अग्रसर हो ना तो भगवान और कृपा। साधना मतलब क्या है, एफर्ट, साधना मतलब तो एफर्ट ही है ना, लेकिन थोड़ा कॉन्शियसली एफर्ट करें तो अच्छी बात है, विलिंगली है ना, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर देखो भक्ति इज एफर्टलेस बट साधना इज एफर्ट, भक्ति भक्ति इज एफर्टलेस, भक्ति मतलब क्या, प्रेम में ही सेवा ना, तो वो एफर्टलेस है, वो तो फ्री फ्लो है, फ्री फ्लो। जैसे भक्ति में नाच गान कीर्तन होता है ना, तो वो कीर्तन नित्य भगवान का चिंतन गायन एफर्टलेस है, लेकिन अभी हम भक्ति के स्टेज में नहीं है ना। भक्ति मतलब भाव से होती है ना, भाव भाव से ही भक्ति होती है ना, प्रेम से ही। भाव का पहला स्तर क्या, प्रेम, उसका प्रेम का पहला स्तर क्या, आसक्ति, अटैचमेंट, आसक्ति से भक्ति होती है, भगवान में आसक्त होना, साधुओं में आसक्त होना। जब तक हम वैष्णवों में भक्तों में आसक्त नहीं होंगे ना, हमारी ये बॉन्डिंग, ये डियरनेस आत्मा का, और ये कोई शारीरिक स्तर वाली बात नहीं है, सामाजिक संसारी वाली बात नहीं, आत्मा से ना, जब तक हम आसक्त नहीं होंगे, वेन वी डू नॉट सी समवन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, यस ही समवन, होता ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आते ना कई लोग कपड़ों के भी वो रिप्रेजेंटेटिव आते ना, हम इस फैक्ट्री से हैं, ये देखो हमारा कपड़ा है ऐसा, हाँ भाई तुम्हारा ये कपड़ा है, इसके इतने थान दो, या मेडिकल वाले आते हैं ना, ये हम इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अच्छा तुम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या सैंपल है दिखाओ, ये सैंपल है हमारा, ऐसा ऐसा सैंपल है मेरे पास, ओके तुम्हारा सैंपल तो बढ़िया है, इससे मेरे को फायदा होगा खूब, ठीक है इतना ऑर्डर मेरे पास भेजो। तो वैसे ही भक्त लोग हम कौन है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, तो हमें यही नेचुरली ऐसा आना चाहिए कि यस ही शी इज अ कृष्णाज रिप्रेजेंटेटिव, है ना, सैंपल मूर्ति या ऐसे, एंड दो रिप्रेजेंटेटिव है, ही कैन कनेक्ट मी टू कृष्णा। तो ये अटैचमेंट, ये है आसक्ति, भक्तों में इतनी मिनिमम आसक्ति तो होनी चाहिए, आसक्ति हमें भाव तक लेके जाएगी, भाव हमें प्रेम तक लेके जाएगा। तो भक्ति इज एफर्टलेस बट साधना इज विथ एफर्ट, साधना मतलब एफर्ट, सहज बात है, बट वो एफर्ट को कॉन्शियस एफर्ट बनाए। देखो कई भक्तों का ना नेचुरल होता है, वो 3 बजे उठ जाते हैं नेचुरली, नेचुरल होता है उनको उतना सोना इत्यादि, थोड़ी ना इसी जन्म में भक्ति कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं इत्यादि, लेकिन कईयों के लिए बहुत एफर्ट की बात भी हो जाती है, बट कॉन्शियसली हम एफर्ट करें। तो भक्ति तो नेचुरल है, एफर्टलेस है, साधना इज विथ एफर्ट्स,
और एफर्ट्स और करेंगे ना तो हम जाके एक दिन स्टेज में आएंगे। उससे डेस्परेशन, एफर्ट्स करेंगे तो थोड़ा सा डेस्परेशन, थोड़ा सी लालसा, एक्चुअली हम अपना एक एक्सप्रेशन अपना एंड से हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, उसको एक्सप्रेस करेंगे तो कृपा को और आकृष्ट कर पाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? भक्ति वास्तव में एफर्टलेस है और इसी चीज में हमें ग्रो करना है भाव से। और ये भाव कैसे आएगा, जैसे नाम जप की है ना, नाम जप की बात करें, नाम जप कैसे हमारा सुंदर होगा, कैसे बढ़िया होगा, जब संख्या बढ़ेगी। बिना संख्या बढ़ाए नाम जप नहीं हो पाएगा। कई मिसकॉन्सेप्शंस के साथ हम रखते हैं ना कि नहीं मैं दो ही माला करूंगी लेकिन टॉप क्लास करूंगी, एकदम बढ़िया, एकदम क्वालिटी माला करूंगी। तो आपको क्वालिटी माला में आना है तो क्वांटिटी बढ़ा, सहज बात है। देखो अभी कोई भी स्पोर्ट आप देखो, ये क्या बोलते हैं, गोलकीपिंग देखो, गोलकीपर को अब पेनल्टी कई गेम में नहीं होता है, कई में होता है पेनल्टी शूट आउट है ना, कई बार प्राय आई थिंक 5 गोल का ही रहता है, 3 का तो नहीं, शायद 7 भी चला जाता है, खैर। तो अब उसको 5 गोल रोकने के लिए, लेकिन कितनी प्रैक्टिस करता है वो उसके लिए, कितनी प्रैक्टिस करता है, बाप रे, खूब प्रैक्टिस करता है ना। क्रिकेट में देखो बॉलर को 10 ओवर डालने हैं, अब वो 60 गेंदे डालने के लिए, लेकिन कितना प्रैक्टिस करता है उस सात, ताकि वो 60 गेंद जो डालें एकदम सही से मैं डाल सकूं, सही से फेंक सकूं, है ना। तो वो फिर उस भाव में आने के लिए, एफर्टलेस बनाने के लिए, एफर्टलेस नेचुरल। तो ऐसे एफर्ट करते हुए एक दिन रागानुगा भाव में आना है, मैं रागानुगा भक्ति में आना है, कि फिर हमारा अब स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन डेवलप हो। तो ये साधना भक्ति तो कृपा को आकृष्ट करने के लिए, रागानुगा भक्ति में प्रवेश के लिए, रागानुगा भी कृपा को है, भाव भक्ति भी सभी कुछ कृपा को है। तो ये कृपा को फैक्टर को भी हमें कभी नहीं भूलना, कभी नहीं छोड़ना। जो अगर हम कृपा को लक्ष्य करेंगे तो हम हमेशा विनम्र बने रहेंगे, अभिमान नहीं आएगा हमें कभी। और हमारा प्रयोजन को, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, एम एंड रिजल्ट, विजन, उसको कभी नहीं भूलना। और ये नेचुरली विजन बनेगा जब हम साधना क्रम में जुड़ेंगे, रीडिंग, हियरिंग, जपा करेंगे ना, तो नेचुरली ऐसा ही हमारा विजन बनते चलेगा। तो उस व्यक्ति ने अपने मन से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली, अब बस शरीर को लेके जा रहे हैं वो, तो कोई उसको दिक्कत नहीं है कि तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, या समझो धूप ज्यादा है या कम है, क्या हो रहा है, क्योंकि मन को जीत लिया ना तो कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, मन को जीत लिया तो भय नहीं है, फिर बस शरीर। उसी प्रकार साधना में भी हमारा बहुत सहज हो जाएगा, एक बार मन को मना लिया ना तो सुबह उठने में दिक्कत नहीं होगी मंगल आरती के लिए, या ऐसे ही इन जनरल भी जो नहीं जा पाते हो मंदिर के पास में नहीं हो, और ऐसे हाँ सुबह उठने का तो फॉर्मूला देखिए ये ना, फिर रात को सोने में भी दिक्कत नहीं होगी, व्यक्ति रात को टाइम से सोए तो सुबह उठ पाएगा ना। बताओ दिन में हमारा रात का 8 बजे का टाइम बहुत क्रिटिकल है, 7 का भी क्रिटिकल है, 8 का खूब क्रिटिकल है, डिसाइडिंग है टाइम। वो 8 बजे हम क्या करते हैं वो हमारा रात की जर्नी बता देगा, और वही अगला दिन सुबह उठाने में। तो रात को 8 बजे ने किसी को अपने प्रोटेक्ट कर लिया तो अगला दिन सवेरा को सवार लेगा उठने के लिए, नहीं क्या? अगर रात को वो 8 बजे समझो प्रसाद पा लिया, डिनर कर लिया डिनर कर लिया, प्रसाद पा लिया और रसोई और साफ है ना इत्यादि, या रात के 8 तक वैसा स्केड्यूल, तो आराम से वो 9 तक सोने को जा सकता है, तैयार है ना। और कितना मोटिवेशन रहेगा अगर 8 बजे की सुई तक उसने अपने काम को संभाल लिया तो ये 7 बजे के आने तक, वरना 8 बजे तक नहीं होगा तो पहने क्या, क्या बज गए जी 9, अब 10, अब कहाँ नींद आएगी, 10 बजे नींद नहीं आती है, फिर अब 11 बज जाएगी, चलो भाई अब कहाँ उठा जाएगा। लेकिन 8 बजे को संभाल लिया तो व्यक्ति 9 बजे तक सहज सोने को जा सकता है। आश्रम में रहना तो देखो संघ के साथ कहना,
नेचुरली ऐसी डिसिप्लिन आ जाती है। घर पे रह के करने में कठिनाई होती है उसमें, लेकिन खैर वो कठिनाई कोई एक्सक्यूज की बात नहीं है। मन को जीत लेंगे तो वो कठिनाई भी कठिनाई नहीं होगी, उसको भी जीत जाएंगे। और कैसे, भगवान कितने सुंदर, जितने सुंदर हमें भगवान लगते रहेंगे ना तो मन जीतते रहेंगे, तो कठिनाई हमारी पे पार होते रहेंगे, कठिनाई पे काबू या विजय पाते रहेंगे। भगवान सुंदर कैसे लगेंगे अधिक से अधिक, जब भक्तों पे हमारी फ्रेंडशिप आत्मीयता होने लगेगी, तो भगवान, क्योंकि भक्तों भक्तों से भगवान की सुंदरता है ना। वास्तव में स्वयं कृष्णा भी कहते हैं ना उद्धव गीत में कई जगह, और ऐसे भक्तों से भगवान की सुंदरता, और भगवान की सुंदरता से भक्तों की कोई मान सम्मान शोभा है कुछ अगर है हमारा, है ना। हमारा मान तो यही है, हम कृष्ण के हैं, देखो किसके हैं, कृष्ण के। तो भक्तों से अगर हमारी आत्मीयता डेवलप हो गई तो भगवान हमें बहुत सुंदर लगेंगे, क्योंकि भक्त लोग भगवान की महिमा, भगवान का चरित्र, भगवान की भगवत्ता, भगवान को हमारे चित्त में और प्रकाशित करेंगे और बताएंगे, तो बहुत आकृष्ट होगा। भगवत कृपा तो भक्तों की कृपा से, विशेष करके महत्पुरुष शुद्ध भक्त की कृपा से भगवान की कृपा संचारित या एक्टिवेट होती है, ट्रांसमिट होती है। तो ये सब हमारा भाव बिल्ड करने के लिए, एटीट्यूड बिल्डअप करने के लिए। तो अगर भगवान हमें जैसे सोचो कितना होता है ना, भारत में हम देखते हैं और भी देशों में, कई जगह फुटबॉल है, कई जगह क्रिकेट है, कई जगह कुछ है। तो क्रिकेट एज एन एग्जाम्पल, अब कल अगले दिन सुबह क्रिकेट मैच खेलने जाना है ना फील्ड में, गर्मियों की छुट्टी है, 7 बजे जाना है, 6:30 जल्दी खेलेंगे क्यों, फिर धूप आ जाएगा, या जल्दी खेलेंगे क्यों, 10 बजे ट्यूशन है, 9 बजे ट्यूशन है, तो फिर घर भी आना है, और ऐसे तो बच्चा क्या टाइम से सोएगा ही सोएगा, मम्मी जल्दी खाना दो मेरे को सोना है, सुबह उठा देना ना, क्योंकि ही नोज और ही इज मोटिवेटेड, ही इज इंटरेस्टेड, ही इज मोटिवेटेड सुबह के लिए। तो वह क्रिकेट में सुंदरता है ना, वैसे ही भगवान में सुंदरता दिख जाए तो हम अपने आप को रात का 8 बजे को हम अपने आप को संभाल लेंगे, रात का 6-7 बजे संभाल लेंगे तो 8 बजे अपने आप ठीक रहेगा, और फिर हम सोने टाइम पे जाएंगे तो सुबह हम उठ पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही करके अगर सुबह उठना है तो फिर यही रात का 8 बजे को अगर हमने अपने आप को सॉर्ट आउट कर लिया, और रात को 8 को सॉर्ट आउट करने के लिए 6-7 प्रिपरेशन तो एडवांस में ही होती है ना, ऐसे करके। तो फिर और इसी के लिए मन में ये शक्ति चाहिए, और वो कैसे आएगा, जब थोड़ा भक्ति में स्वाद चखेंगे। सब कुछ एक स्लाइस साइक्लिकल है, साइक्लिकल है, भक्ति में थोड़ा स्वाद चखेंगे वो साधना से ही चख पाएंगे, साधना करेंगे थोड़ा स्वाद चखेंगे तो फिर और साधना करेंगे और स्वाद आएगा, है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, मैंने रात का 8 बजे को अपने आप को संभाल लिया तो सोने का, ऐसे ही करके फिर दिनचर्या सब संभलते रहेगी, और सारे टिप्स ट्रिक्स सब भगवान चला के भेजेंगे किसी ना किसी माध्यम से। देखो किसी ना किसी को, व्यक्ति को या वस्तु को निमित्त करा के या हमारे हृदय में विराजमान सारा कुछ भगवान हमें वो टिप्स एंड ट्रिक्स भेजेंगे। ठीक है, अगला देखें क्या, और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो। तो चोर या पुलिस ना, अभी पुलिस, चोर को पुलिस कैसे बनाया जाए, अगर उसकी संगति, उसको उस संगति में वैसी प्रेरणा दे दे सब कुछ तो बना जा सकता है, लेकिन संगति, अगर हम संगति को प्रोटेक्ट करना अति आवश्यक है, तो समय प्रोटेक्ट हो जाएगा, फाइनेंस प्रोटेक्ट हो जाएगा, रिलेशनशिप्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे, सब कुछ प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो देखो ना घर परिवार में भी देखिए, संबंधों में पता कराते ना आपकी क्या राय है, आप उनसे पूछते हैं, बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस हैं, जॉब्स में ऐसे ना, ही इज एक्सपीरियंस नॉलेजेबल, तो वैसे ही भजन में भक्त भक्तों का ना बहुत सुंदर है उपदेशामृत का, ये बहुत बढ़िया बताते ना, रिवीलिंग इज माइंड, एनक्वायरिंग एंड रिवीलिंग इज माइंड, भुंक्ते भोजयते चेवा, है ना, क्या ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति, गुह्यम है ना, गुह्यम मतलब जो
सीक्रेट हो, जो हमारे मन का भाव है, हमारे हृदय के अंदर की बात है इंटरनल, तो वो आख्यति पृच्छति ना, उसको पूछना, शेयर करना, रिवील करना, समझना, इंक्वायरी करना। और ये सभी से नहीं, वेरी सिलेक्ट फ्यू, वेरी सिलेक्ट फ्यू, जिनसे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन और जिनको हम एडवांस सुपीरियर है ना, ब्लेसेड, जेन्युइन, प्योर, वैसे। और भगवान हमारे हृदय में विराजमान, विल गाइड अस ऑल द वे थ्रू। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्तो विजितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्र शम कांचना। हर्षा जी अनुवाद पढ़िए और तात्पर्य भी पढ़िए। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तात्पर्य, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्तिरसामृत सिंधु में कहा गया है, फिर पढ़िए उस पहली लाइन को, इसका तात्पर्य बहुत गजब का लगता है मेरे को, भयंकर गजब परम का। और सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। परम सत्य परम की सत्य, अनुभूति, परम सत्य मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ की हाँ अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। अनुभूति मतलब। एक्सपीरियंस हाँ देखिए, हमारे पास समय का अभाव है, हमेशा ही रहेगा। अब ऐसे ऐसे श्लोक है ना, किसे हम 4-5 श्लोक कर लें एक ही दिन के अंदर, मेरे से तो इतना नहीं, थोड़ा सा एंड जितना हम समझ सकें। तो ये श्लोक को हम शायद ही आज पूरा कर पाएंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए जितना हम पढ़ के देखें। परम सत्य की अनुभूति, अनुभूति एक्सपीरियंस के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है ना। इसीलिए कोरा ज्ञान ना, अगर ज्ञान मतलब क्या, देखो ये क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पूरा करो क्वेश्चन को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इतना सा ही बोल के शायद क्लू मिल जाए। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड ट्रुथ, ट्रूथ, नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट या वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम है ना, या रियलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड विजडम है ना, एक्सपीरियंस, अप्लाइड रियलाइजेशन। तो ज्ञान वही जो अनुभव में आया है ना, बिना अनुभव क्या है, वो कोरा ज्ञान है, थ्योरी। तो परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है, थ्योरी काम की नहीं है ना बाबा। इसीलिए ना देखो कई जगह क्या, अच्छा आप धार्मिक हो, आपके धर्म में क्या करते हैं, हमारे धर्म बताओ तो धर्म के बारे में। हाँ हम ये नहीं खाते हैं, हम ऐसे व्रत करते हैं, हम ऐसे सोते हैं, इतने इतना सोते हैं, हम इतनी परिक्रमा करते हैं, ये करते हैं, ये सब सब थोड़ा सा, दीज आर जस्ट साइड थिंग, साइड पॉइंट्स इत्यादि। खैर कहने का, कोरा ज्ञान से रियली डजेंट हेल्प, ड्राई ड्राई नॉलेज ना। इसलिए देखो ऐसे ही कोई, कितनी सोचो संसार में कितनी ऐसी करने की है, लोगों को लगता है कि आई एम रिलीजियस एंड डू नॉट बॉदर मी, डू नॉट गिव मी एनी नॉलेज, प्लीज डू नॉट से एनी थिंग। वाई? बिकॉज इतना मुश्किल से मैंने इतना कुछ मेहनत करके अज्ञान को जोड़ा है,
अब तुम आके भाई मेरे अज्ञान को ऐसे गिराने का प्रयास मत करो। तो कई ऐसी साधना क्रम है, अब आप देखो समाज में, घर परिवार में, योगा के नाम पे, धर्म ध्यान के नाम पे कई ऐसे साधना क्रम है। लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, चले चले खोदने को पानी, कुआं है ना, कि यहाँ पे हम खुदाई करें, यहाँ पे खुदाई करें, मैं निकल जाएगा पानी, मिलेगा 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 मिलेगा। अरे कितना ही खोद लो आपको पानी नहीं मिलेगी वहां पे, जमीन वो उपजाऊ बंजर है, पानी नहीं है नहीं है। या जिस तरह से कहीं ना कहीं कमी है ना, कहीं हम देखते हैं ना किसी साधना क्रम में, धर्म ध्यान में है, लेकिन कैसे हृदय का परिवर्तन नहीं दिखता, ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट दिखना चाहिए। हर जगह ही देखते हैं भाई, स्कूल जाओ तो बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं ना, बच्चा सुबह गया स्कूल, शाम को आता तो हाँ भाई पढ़ के आया लगता है आज हमारा बेटा है ना। खेलने जाओ बिफोर एंड आफ्टर दिखता है ना इफेक्ट, व्यापार में जाओ बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट दिखता है ना सब कुछ, हाँ भाई इनको 5 साल हो गया अब इसको व्यापार की अटकलें आ गई हैं, पैसा कमा लिया। जिम में जाओ बिफोर एंड आफ्टर दिखता है ना, बिफोर 90 किलो की थी मैं, अब देखो 40 किलो की बन गई हूँ, है ना, सब जगह बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट। तो वैसे ही अगर कोई धर्म ध्यान में साधना कर रहा है ना, इफ नॉट डेली वीकली वॉट एवर, मंदिर भी जा रहे हैं, तो कुछ बिफोर एंड आफ्टर दिखना चाहिए ना बाबा। नहीं तो क्या है, सुबह उठ गए 8 बजे, हाँ नहा धो लिया ठीक है, और आज क्या सोमवार, चलो शिव जी के यहाँ जाना है मंदिर, घंटी बजाई, फूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, जल चढ़ाए इत्यादि। आई एम नॉट सेइंग वो कुछ खराब है, बट वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू टेक, रियल थिंग इज टेकिंग डिवोटी एसोसिएशन, है ना। इसीलिए भागवतम में कई जगह दृष्टांत देते ना, गो खरा बोला है ना एक जगह, तो गो खरा गधा गधा बोल दिया हमें, गधा, सोचो भागवतम में कई जगह में गधा बोलते हैं, क्यों कि भाई ऐसे ना इस देहात्म बुद्धि में रहते हैं, और उसमें क्या हम तीर्थ स्थल में भी जाते हैं, हाँ हम तीर्थ गए, दर्शन किया, दर्शन अच्छे से दर्शन हुआ, हाँ बढ़िया दर्शन हुए, लाइन कम थी, धूप भी कम थी, अच्छे दर्शन हुए, हमने प्रसाद भी पाया, दक्षिणा भी दी, बहुत बढ़िया सफल यात्रा रही इत्यादि। तीर्थों का तो सफल तब है जब साधु संग करें ना, तीर्थों की महिमा सुने, भगवान की महिमा सुने, भक्तों से श्रवण करें, तो फिर उस भाव को अपने घर में लेके आए और फिर घर को तीर्थ बनाए ना। क्यों नहीं बना सकते हैं घर को तीर्थ, बताओ नहीं बना सकते क्या, या नहीं बनाना चाहिए क्या, कहीं कमी मना है क्या, घर को तो वैकुंठ धाम बनाना ना। अरे और वो तो देखो खुद का घर है, खुद का घर में तो हम कर सकते हैं ना, जो गृहिणी है उसको मालकिन बन जाना चाहिए वास्तव में भक्त रूप से, है ना, और जो पति है समझो उसको भी भक्त रूप से मालिक बन जाना चाहिए, और घर को अपने घर को वैकुंठ धाम बनाए। तो ये ना कोरा ज्ञान, ऐसे कई साधनों में हम हैं संसार में, ऐसे कई साधन है, कई धर्मों के कई पंथ हैं, लगे हैं कई से क्या क्या करने क्या क्या करने, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण नहीं दिखता, कहाँ कहाँ जाएंगे, चढ़ाई करेंगे, उतराई करेंगे, है ना, कितनी लंबी यात्रा करेंगे, त्याग तपस्या क्या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हृदय में क्या भाव है, संसार ही है पूरा, काम क्रोध लोभ मोह। उसने गाड़ी ली है, उसकी गाड़ी में चोट लगी, बढ़िया हुआ, ये सारा कुछ ऐसा ही भाव रह जाता है ना, कहाँ ये आसक्ति अटैचमेंट भगवान के प्रति, कहाँ भाव कहाँ प्रेम, अरे दूर की बात है, कहाँ कोई ज्ञान कहाँ कोई वैराग्य ना। या तो देखिए व्यक्ति साधना बराबर नहीं कर रहा हो, या जो साधन कर रहा है जो साधना कर रहा है वो बराबर नहीं है, या जिनके आश्रय है ना, जिनको निमित्त, जिनको आश्रय, भगवान के आश्रय या साधुगण के आश्रय, किन्हीं का शरणागति है ना, किन्हीं की शरणागति में तो कर ही रहे होंगे ना, शास्त्रों की, भगवान की, या साधुओं की, है कि नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में तो ये गुरु साधु शास्त्र है ना, भगवान के क्या समझ इत्यादि। तो या तो जिन साधुओं के संग में वो है वो साधु ही असाधु टाइप ही है,
इतने काम के नहीं है, वो साधु ही लीडर बराबर नहीं है। जिन ग्रंथों का वो वाचन कर रहे हैं वो ग्रंथ ही अपौरुषीय है, वो दिव्य नहीं है। वास्तव में सतोगुण में ही फंसा देने वाले हैं, उतना ही तक लाके उतने में भी नहीं ला पाते लोगों को, उतने में भी नहीं ला पाते। दिखाने को तो देखो कई बार हो जाता है ना, हम कहाँ जा रहे हैं, सत्संग में हाँ, साधु और के पास जा रहे हैं, क्यों सत्संग में, और उसमें क्या नई घड़ी निकाल के, अब नई घड़ी निकाल के, नई सलवार सूट, नई साड़ी, सब कुछ लिपस्टिक लगा के एकदम। लड़का भी क्या, कई बार सत्संग में भी जा रहा हूँ क्या, लड़कियां आएंगी है ना, लड़कियां आएंगी या इस हिसाब से। तो या तो देखिए जो लीडर है, जो साधुगण है, बराबर नहीं है पवित्र शुद्ध या वैसे, है ना, या वो साधन ही बराबर नहीं हो। साधुओं के जाके क्या दिखाते हैं कि देखो हमारे पास कितना संसार भरा है हमने कि नहीं, साधुओं को जाके घड़ी दिखाना, गाड़ी दिखाना, या हमारे पति या हमारी पत्नी ये जॉब करती है, ये व्यापार है, ऐसा है वैसा है। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में ही थे मेरे ख्याल से, तो किन्हीं के घर गए या कुछ ऐसे, या उन्होंने भक्तों को टूर में ट्रेवल में होंगे तो घर में रहने को दिया, बड़ा घर था उनका या क्या, एग्जैक्ट तो मेरे को प्लॉट याद नहीं आ रहा, स्मरण में नहीं आ रहा, बट खैर प्रभुपाद जी गए थे और शिष्य भी थे। तो जो व्यक्ति अमेरिका ही था मेरे को, जिस व्यक्ति ने बुलाया ना, तो उन्होंने बोला कि ओके स्वामी जी कम, आई शो, आई विल गिव यू अ टूर ऑफ माई हाउस, दिस इज द किचन, दिस इज दिस बाथरूम, दिस टॉयलेट, दिस रूम, दैट रूम, और भी क्या क्या ना, नीचे का बेसमेंट, फलाना ढिमकाना, गराज, ये वो, यूटिलिटी रूम, कंजर्वेटरी रूम, अपर फ्लोर, नीचे का फ्लोर इत्यादि, और फिर फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। देखो ये मेरे पोता का, पड़ पोता का, ये मेरा वो कजिन है, ये मेरा ये है वो, ऐसे इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार, ये सब दिखा गया। तो प्रभुपाद ने, बीइंग प्रभुपाद, ही सेड समथिंग, उन्होंने क्या गजब का उनको रिप्लाई दिया इत्यादि कि हाँ भाई तुम्हारी बहुत दक्ष हो, तुम बहुत दक्ष हो प्रोजेनी क्रिएट करने में और ये संसार बढ़ाने में ना, बहुत दक्ष है ये, समथिंग ऑन वेरी गुड सेक्स लाइफ, वेरी गुड सेंस ग्रेटिफिकेशन लाइफ। साधु वो जो देखो, साधु को क्या डर भाई, साधु को थोड़ी ना डर, डरा हुआ साधु थोड़ी ना कोई, साधु वो जो भगवान की आश्रय ले रखा है, तो हु इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, हु इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, तो देन ही इज फियरलेस ना। प्रभुपाद वॉज फियरलेस लाइक एनीथिंग, फियरलेस लाइक एनीथिंग, कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, हम्बल लाइक एनीथिंग प्रभुपाद, नॉलेज की तो बात ही क्या। तो या तो देखिए वही बात, साधन बराबर नहीं है, जो कुछ भी हम जप रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, है ना, त्याग साधन इत्यादि, वो बराबर नहीं है। या जो गुरुजी, जिन साधुओं भक्तों उनके संग में, उनकी लीडरशिप में कमी है, उनका साधना उन्हीं की समझ में कमी है, हम तो चेले बन के चले गए और वो हमें कहीं ना कहीं रजोगुण सतोगुण से, तमोगुण से थोड़ा निकाल रहे हो, या हम पढ़े भी हो रजोगुण तमोगुण में, लेकिन एक इगोइस्टिक भाव आ जाता है ना, हम भी धार्मिक है, हम भी जाते हैं सत्संग सुनने, हम हमारे गुरुदेव की यात्रा में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ ऐसे, बट कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं भी हो, कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं है भाई, या कहीं से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है भाई। भक्त तो वो ना, जो साधु तो वो जो औरों में साधुता को क्रियान्वित कर सके, है ना, क्या अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई और कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, तो साधु वो जो उसकी योग्यता को एक्टिवेट कर सके, है ना, डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियस स्पिरिट को जो इग्नाइट कर सके वो, और वो शुद्धता से होगी ना, साधु का हथियार तो उसकी शुद्धता है ना, शुद्धता मतलब लॉयल्टी, इस लॉयल्टी टुवर्ड्स कृष्णा, इस वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन इन कृष्णा, इस मोर देन बिलीफ, है ना, इन द वर्ड्स ऑफ कृष्णा, इन द वर्ड्स ऑफ स्क्रिप्चर, इन गुरु एंड गौरांग, कितनी उसकी लॉयल्टी, समर्पण, एकाग्रचित भाव से समर्पण है।
तो वो या तो साधना बराबर नहीं है या साधु समाज वो बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, या हम उसको बराबर नहीं ले रहे हैं, है ना। हो सकता है साधु सही है, शास्त्र ग्रंथ एकदम बराबर, भागवत गीता यथारूप, भागवतम चैतन्य चेतामृत शास्त्र एकदम अपौरुषीय है, दिव्य है, कोई पुरुष पुरुष द्वारा लिखे हुए नहीं है, अपौरुषीय है, बियॉन्ड एनी डिफेक्ट, कंप्लीटली डिफेक्ट फ्री, ट्रांसेंडेंटल। साधुगण भी पक्के हैं, है ना, एकदम आश्रित है, लॉयल है, लेकिन साधना भी प्रोसेस भी बराबर है, एकदम प्योर है, लेकिन मैं उसको प्योरली अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक खूंटा मैंने माया में भी बंधा रखा है, मेरे को माया भी चाहिए, तो ऐसा काम नहीं चलेगा कि सुबह हम रात को हम शराब पिए सुबह दवाई खा लें, रात को हम शराब पिए सुबह दवाई खा लें, ये काम नहीं चलेगा। तो अगर अब समझो, अगर साधु सही है, साधना प्रोसेस सही है, शास्त्र सही है, भगवान की समझ सही है, तो व्यक्ति चाहे गड़बड़ भी हो ना, वो साधु उसको ठीक कर सकता है, वो साधु उसको पूरा दमखम, अल्टीमेटली तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है, माला तो साधु नहीं कराएगा, माला तो स्वयं करना है, लेकिन साधु सारा बंदोबस्त कर सकता है, कहने की बात है। तो कोरा गाय ज्ञान कोई काम का नहीं है, इसीलिए हमें समझना चाहिए, भाई मैं ये कोरी साधना में पढ़ा हूँ क्या, कई है ना, दिख जाएंगे कई दादा दादी नाना नानी 20 साल से कोरी साधना में, लेकिन भाव ध्यान कहाँ है। देखो दादा दादी नाना नानी भी साधना में होते हुए पोती पोता को हम क्या शिक्षा दें, नाता नाती को, संसार में ही कैसे अव्वल बने, संसारी शिक्षा दें, संसार कैसे बढ़ाएं, या भगवान परायण कैसे हो, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय, भगवान के भजन में कैसे अग्रसर बने। ठीक है, आज यही विराम दें क्या, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ये बहुत बहुत सुंदर अनुवाद तात्पर्य लगता है, और ना यही विराम देते हैं, थोड़ा और कल प्रयास करेंगे समझने का। अब ऐसे ऐसे श्लोक आया देखो, 6ठे अध्याय में, 7वें में कैसे कैसे आएंगे, 8वें में कैसे कैसे आएंगे, देखिए आप। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ठीक है, तो आपके धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमोरो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।